हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम कैपिटल। गाइस, अब की बार 2024-25 का जो नया सेशन शुरू होने जा रहा है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर पीजी कोर्सेज का, इस साल से इस सेशन से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जितने भी पीजी कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, चाहे वो एमए है, एमकॉम है, एमएससी है, एमबीए है, या तो और जो भी पीजी कोर्सेज हैं, उनके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी गई है। ठीक है, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है तो इसके रिगार्डिंग सभी कोर्सेज का सिलेबस चेंज हो चुका है। ठीक है, और इस सेशन से नया सिलेबस लागू होगा। तो आज की वीडियो में स्पेशली बात करूंगा एमकॉम के सिलेबस के बारे में। सिलेबस तो कंप्लीट वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं है, बट आज मैं सिर्फ बात करूंगा नए सब्जेक्ट के बारे में, कौन कौन से नए सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से पुराने सब्जेक्ट हैं, पुराने सब्जेक्ट कौन से थे, उनमें से कौन सा सब्जेक्ट हटाया गया है और कौन से नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, क्योंकि अभी 1 अगस्त से उनका सेशन शुरू होने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में जो पुराने सब्जेक्ट थे वो कौन से थे। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट एज पर ओल्ड सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर, तो वहां पर 6 सब्जेक्ट होते थे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर और 6 के 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट होते थे। ठीक है, तो कौन से हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिजनेस एनवायरनमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, कंपनी लॉ, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, जो स्टूडेंट बीकॉम पास करके एमकॉम के अंदर आए हैं, एमकॉम में जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक नया सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन एक नया सब्जेक्ट है, नया कुछ नहीं है, वही जो आप पोस्ट अकाउंटिंग में पढ़ के आए थे वही चीजें इसके अंदर थी। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट जो आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग पढ़ा था वही चीजें यहाँ पर थी। खैर, ये बात तो थी, ये जो सब्जेक्ट हैं ये थे ओल्ड सब्जेक्ट, बट अब जो नए सब्जेक्ट आए हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को वही 6 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसके अंदर 5 सब्जेक्ट आपके कंपल्सरी होंगे। ठीक है, और 2 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपने चूज करना है। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ये आपका पिछले जो पुराने सिलेबस थे, पुराने सब्जेक्ट थे उनके अंदर भी था और अब की बार भी, क्योंकि एक नया सब्जेक्ट है मास्टर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बीकॉम के अंदर ऐसा कोई सब्जेक्ट था ही नहीं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो इसलिए ये सब्जेक्ट इसको यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, अब वहां पर बिजनेस एनवायरनमेंट था, उसको चेंज करके इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट कर दिया। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि इंडिया के अंदर बिजनेस किस तरह से होता है, इट इज अ वेरी गुड डिसीजन। नेक्स्ट है बिजनेस रिसर्च मेथड, ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, इससे पहले ये सब्जेक्ट नहीं था। यहाँ पर पहले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती थी, बट उसको चेंज कर दिया गया और यहाँ पर बिजनेस रिसर्च मेथड्स आ गए हैं। हालांकि काफी सारा पोर्शन आपको यहाँ पर स्टेटिस्टिक्स का ही मिलेगा, लेकिन बेसिक का नहीं, एडवांस स्टेटिस्टिक्स का मिलेगा। ठीक है ना, और आगे है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट जो था एमकॉम के अंदर सेकेंड सेमेस्टर में आता था, बट एनईपी के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर डाल दिया है। ठीक है, और एक सब्जेक्ट है रिटेलिंग। रिटेल ये वैसे थर्ड सेमेस्टर में आता था, बट इसको फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस किया गया है। ये जो पहले 5 सब्जेक्ट है ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है। अब बच गए 2 सब्जेक्ट, 2 में से आपको कोई एक चूज करना है। एक है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और दूसरा है बिजनेस वैल्यूएशन। जो बिजनेस वैल्यूएशन सब्जेक्ट है वो बिल्कुल नया सब्जेक्ट आया है। ठीक है, ये पहले किसी भी सेमेस्टर में नहीं था, 4 सेमेस्टर में थे। और जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ये पहले सेकंड सेमेस्टर में आता था एमकॉम के सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो इनमें से आपको कोई एक चूज करना है। तो मेरा सजेशन आपको यहाँ पर ये रहेगा कि आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को प्रीफर करें, क्योंकि एक तो ये काफी टाइम से ये सब्जेक्ट चला आ रहा है, ये एमबीए के अंदर भी है ये सब्जेक्ट और एमकॉम के अंदर भी। एमकॉम में पहले सेकंड सेमेस्टर में था, अब की बार इसको फर्स्ट सेमेस्टर में लेके आया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और अगर कोई स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है या आगे सोच रहा है नेट का एग्जाम देने के लिए, तो वो ये सब्जेक्ट डेफिनेटली करे, क्योंकि यहाँ से हर बार एक दो क्वेश्चन आता ही आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से। तो ये है आपके नए सिलेबस, कौन से कौन सॉरी नए सब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस रिसर्च मेथड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिटेलिंग, ये आपके फिक्स है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और बिजनेस वैल्यूएशन में से आपको कोई एक चूज करना है। ठीक है, बिजनेस वैल्यूएशन बिल्कुल फ्रेश सब्जेक्ट है, इससे पहले
ये नहीं था। बिजनेस वैल्यूएशन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इसके अंदर आपको ज़्यादातर चीज़ें है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली ही मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल बस्टिंग वगैरह कुछ ऐसे, ये ना कई सब्जेक्टों का मिक्सचर है। बिजनेस वैल्यूएशन जो है कई सब्जेक्टों का एक मिक्सचर सब्जेक्ट बनाया गया है, क्योंकि पहले ये नहीं था। बिजनेस के रिगार्डिंग ही वैल्यूएशन करनी है, जो कि जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली मिलेंगी आपको, ठीक है। तो मेरा प्रेफरेंस ये रहेगी आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को प्रेफर करें, कई जगह ये स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मिलेगा आपको ना, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लोग जैसे भी रहेगा अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना दोनों में से कोई एक। तो ये थे नए सिलेबस, तो सॉरी नए सब्जेक्ट, ठीक है। अभी सिलेबस आप लोग जैसे ही क्लासेस आपकी शुरू होगी तो आपके प्रोफेसर के द्वारा आपको बता दिया जाएगा क्या आपको सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि वेबसाइट पर पूरा कंप्लीट डिटेल सिलेबस अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। जैसे ही आगे अगर मेरे पास सिलेबस आता है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बस आप लोग बने रहें हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ, यूट्यूब चैनल के साथ, टेलीग्राम पर भी मैं अपडेट देता रहता हूँ, और इंस्टाग्राम पर आप हमें अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय।